इसको क्वेश्चन मैंने टाइप किया ना अभी, इसको पढ़िए प्राची, रीड द क्वेश्चन। सर अभी स्क्रीन कौन सी वाली, आपकी एनसीईआरटी वाली स्क्रीन है या वर्ड वाली स्क्रीन है? वर्ड वर्ड वाली है, जहां पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना बीच में, यस ये क्वेश्चन कौन है आपके लिए? सर, हाउ डिड द फायरमैन हेल्प द ऑथर? हाउ डिड द फायरमैन मैन हेल्प द ऑथर एंड हिज मदर इन एस्केपिंग फ्रॉम द फायर? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फायरमैन ने कैसे हेल्प की ऑथर की और उसकी माँ की आग से बच निकलने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब मैं बुक में लिखा रहा हूँ, आपको मुझे बताना है बुक में देख कर कैसे हेल्प की उसकी माँ। बुक है आपके पास में वैसे इस वक्त, प्रिंटेड बुक है पास में रखी हुई? नो सर, ओके मैं दिखा रहा हूँ। जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है ना, माय मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, दिख गया पैराग्राफ? यस सर, हाँ, यहाँ से आप साइलेंटली पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि फायरमैन ने क्या क्या हेल्प। यहाँ से आपको दोनों को पढ़ना है, देव को भी पढ़ना है, ब्राची को भी पढ़ना है, साइलेंटली पढ़िए। रीड इट एंड देन टेल मी हाउ डिड द फायरमैन हेल्प देम, हेल्प बोथ ऑफ देम टू स्केप। लेकिन इसमें तो ऑथर के अभी बारे मिलेगा, में अभी है। अभी अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। मैं फायर सीन दिखा रहा हूँ आपको, आई एम शोइंग यू द फायर सीन नाउ, फाइंड स्क्रॉल अप करना। आउट। चलो मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प कर दूंगा। यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ पे कर्सर क्लिक करा है ना, यहाँ से पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया था जी? यस सर। यस सर। ओके, ये लास्ट वाला पैरा और देखना। ये पढ़ लिया आपने? ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अ कार। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम अ हाउस। My mom in a tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and ये पढ़ लीजिए। आप बताइए। यस, आप दोनों में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन था, हाउ डिड द फायरमैन हेल्प द ऑथर एंड हिज मदर एस्केप फ्रॉम द फायर? सर, ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड द ऑथर एंड सेट हिम डाउन इन हिज कार And then okay. soon after that, the fireman emerged from our house with the narrator's mom. Then he quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. Right. Then he calmed down the author by saying that she'll be okay. She has just inhaled a little smoke. Okay. So, right, all right. Your answer is almost complete. So, one thing you also need to mention that one of the firemen helped the author or helped the narrator. One of the firemen helped the narrator by preventing him from going into the burning house after his mother. मतलब जो नरेटर था वो अंदर जाता दौड़ के अपनी माँ के पीछे पीछे, तो एक फायरमैन ने उसको रोक लिया जाने से अंदर, क्योंकि अंदर जाता तो उसको नुकसान पहुंच सकता था, तो उसका रोकना भी एक तरह से मदद करना हुआ। ठीक है, कहीं पर आग लगी हुई है और आप किसी को वहां जाने से रोक रहे हो, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। तो यू कैन से दैट वन ऑफ द फायरमैन हेल्प द नरेटर बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गोइंग इनटू द बर्निंग हाउस आफ्टर हिज मदर, माँ के पीछे पीछे। बाकी आपने बता ही दिया मुझे। ओके, अब अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे।
अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर्स मदर डू व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर? व्हाट डिड द ऑथर्स मदर डू व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर? ठीक है, जब घर में आग लगी हुई थी तो ऑथर की मां ने क्या किया? इसको रीड कीजिए, ये जो पेज खुला हुआ है आपके सामने इसी में आंसर है। मैं बस अभी आया। हाँ पढ़ दिया, देख पढ़ा आपने। क्वेश्चन है कि जब घर में आग लगी हुई थी तो ऑथर की माँ ने क्या किया, नरेटर की माँ ने क्या किया? व्हाट डिड द नरेटर्स मदर डू व्हेन द हाउस वाज ऑन फायर? यस देव, व्हाट डिड थिंक, व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया? लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे कल्चर ब्लिंक हो रहा है, माय मदर रैन देन रैन आउट ऑफ द हाउस। हाँ, व्हाट डिड शी डू? So he she rushed into the house to get some important documents and the pictures of his father. Right. Correct. So she ran into the house to collect all important documents and also try to save her husband's pictures and letters. Pictures and letters, because they were very precious for her and the narrator. Right. Okay.
अगला क्वेश्चन है, यहां से मिलेगा आपको इसका आंसर, जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर वहां से मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर अशेम्ड टू अटेंड स्कूल द डे आफ्टर हिज हाउस वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई वाज द ऑथर अशेम्ड टू अटेंड स्कूल द डे आफ्टर His house was destroyed in a fire. मतलब घर में आग लगने के बाद में, जब एक दिन के बाद में उसने स्कूल अटेंड किया, तो वो शर्मा भी रहा था, उसको शर्म क्यों आ रही थी? Why was he ashamed? Sir, because he was still wearing the dress he had worn to church that morning. Right. So he was ashamed to attend school that day because all his belongings, including clothes and shoes, had been destroyed in fire. All his belongings, his shoes and other things also, all of them were destroyed in fire. Okay, so he went to school in borrowed tennis shoes and odd-looking clothes. And he also did not have his school bag and his homework too. उसके बाद ना school bag था ना homework था. So that was the reason. Okay, fine. Okay. ये बताइए देव राजी, आपके सिलेबस में द लास्ट लीफ तो है ही, द लास्ट लीफ चैप्टर तो है ना? सर कौन सा? द लास्ट लीफ। यस सर। ठीक है, इसको कल को पढ़ के आना है आपको, इस चैप्टर को कल पढ़ के आना है। ठीक है, ओके सर।
स्क्रीन दिख रही है आपको देव प्राची? हाँ ठीक है, इसमें हर एक सेंटेंस में आपको मिस्टेक ढूंढनी है और फिर बताना है कि इसमें करेक्ट क्या होगा, करेक्ट कैसे होगी मिस्टेक। करेक्ट बताना है फिर करेक्ट बताना है। सर ओट्स आर, ओट्स आर, ओके राइट, करेक्ट आंसर इज, तो इनकरेक्ट में आ गया इज और करेक्ट में आ गया आर, ठीक है। नाउ सेकंड, सर कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, तो इनकरेक्ट में कंज्यूम्स और करेक्ट में कंज्यूम्ड, ओके फाइन। सी back from, back to, dating back to 400 BC, मतलब 400 BC तक खाई जाती हो, ओट्स को खाया जाता। जो तब से अब तक लोग उसको खाते हैं। डेटिंग बैक के बाद में टू आता है, याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि 500 BC, 400 BC, 1992, तो डेटिंग बैक टू 1992, डेटिंग बैक टू 500 BC, इस तरह से। तो डेटिंग बैक के बाद टू आएगा, याद रखिएगा। डेटिंग बैक इज फॉलोड बाई टू, ओके, तो डेटिंग बैक टू 400 BC, ओके। नेक्स्ट वन, as a breakfast food or as snack, Prachi Dev, what do you think? Sir, we say snacks. We don't say snack, we say snacks. ओके, सो इनकरेक्ट में स्नैक आएगा, इनकरेक्ट में स्नैक और करेक्ट में आएगा स्नैक्स, समझ गए?
समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, स्नैक नहीं होता, स्नैक्स होता है जो आप खाते हो, स्नैक्स वगैरह, वो स्नैक्स होते हैं, इट इज नॉट स्नैक। ओके, लास्ट वन, सोर्स ऑफ Yes, tell me please. So far. For ki place par? Off. Off. Correct. ठीक है, सही है. Incorrect में for आ जाएगा और correct में आ जाएगा off. Okay, well done.
कंप्लीट करना है इसको. Sir, if he could go and play. ठीक है, पहले बार आएगा. साहिर asked his father if he could go and play. Can का could हो गया और I का हो गया he. साहिर के हिसाब से. ठीक है, तो अच्छा सही है. If he could go and play. Next. If he had finished his homework. He had finished his homework. सही है, ठीक है. Right. Have you finished का हो गया? If he had finished his homework. सही है. Next. Sahil replied that. साहिब ने कहा नो. इसका मतलब उसने होमवर्क नहीं किया. He could finish it afterwards. ठीक है, सेकंड पार्ट तो ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? नो फादर की जगह क्या करेंगे? साहिब रिप्लाइड दैट He hadn't. He hadn't. Yes. Sahil replied that he hadn't. He had not. He hadn't. Comma. उसके बाद में आएगा जो आपने बोला. But he could finish that afterwards. It का that. He could finish that afterwards. Okay. At this, his father. Told him. His father told him not to play, not to go to play, right? और told से पहले affectionately लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं बता ना? Affectionately आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसने my boy कहा है. क्या बोला है? क्या बोला है? उसकी father ने क्या बोला उसको? साहिल के father ने. Not to go to play. एक चीज़ और बोली उसने, my boy. उसने कहा my boy. तो my boy उसने प्यार से बोला ना, मेरे बच्चे. फादर ने कहा नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें जाकर पहले मेरे बच्चे कहा, मेरे बेटे मेरे बच्चे. तो मेरे बेटे मेरे बच्चे कब बोलेंगे? जब प्यार से बात करेंगे. इसलिए अफेक्शनेटली आएगा. ओके, हिज फादर अफेक्शनेटली टोल्ड हिम नॉट टू गो टू प्ले. अफेक्शनेटली टोल्ड हिम नॉट टू गो टू प्ले एंड देन उसके बाद में आ जाएगा बात. एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट डू हिज वर्क फर्स्ट. ठीक है प्राची देव, बाकी हम कल करते हैं. आप लोगों को जो चैप्टर मैंने आपसे कहा है, कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए कहा है मैंने आपसे? Last leaf.
रफली पढ़कर आइए, कल हम थोड़ा सा उसको उसको कॉम्प्रिहेंशन करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा थोड़े बहुत। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदित्य। आदित्य हाँ आदित्य। गुड इवनिंग।